संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। विपक्ष के पास महंगाई समेत कई मुद्दे हैं। ऐसे में पहले दिन की तरह हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। सदन की कार्रवाई आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद के मानसून सत्र में मुद्दों की भरमार है। सत्र के पहले दिन के हंगामे ने साफ कर दिया है कि मानसून सेशन के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। कल महंगाई को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा किया था, जिसके चलते सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। सरकार सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना चाहती है, क्योंकि इस बार सरकार ने 32 बिल सूचीबद्ध करवाए हैं। इनमें से 24 नए बिल होंगे। इसके लिए आज राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। वहीं कांग्रेसी सांसद सुबह 10 बजे संसद भवन में गांधी की प्रतिमा के नीचे महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे। विपक्ष के अन्य घटक दलों के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है।